जैसे कि आप जानते ही होंगे, हमारा कंटेंट चल रहा है रिपोर्ट कार्ड, जिसके आधार पर मुंबई के जितने भी नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका के हैं, उनका 5 साल का जो पिछला कार्यकाल है वो किस तरीके से उन्होंने गुजारा, जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, अपने क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव लाए, ये जानने के लिए हम सारे नगर सेवकों के पास जाते रहे हैं। उसी की कड़ी में इस समय हम आए हैं शीतल जो मैडम है उनके यहाँ पे, जो कि नगर सेविका है भाजप से वार्ड नंबर 190 की, जो कि इस समय तब्दील हो चुका है, महिला ओपन वार्ड हो चुका है और 196 हो चुका है ये वार्ड, और मगर जो पिछले कार्यकाल था उनका 190 वार्ड से वो कार्यरत थी और नगर सेविका थी, और 5 साल के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया हम उनसे जानते हैं। शीतल मैम, ये बताइए कि 5 साल में मैम आपने क्या कुछ किया, जिस समय आप चुनकर आई तो आपके क्षेत्र में क्या ऐसी मेजर समस्याएं थी जिनको आपने आने के बाद में उसे सॉल्व करने की कोशिश की? पहली बात तो ये 190 वार्ड का जो भी समस्या थी, सबसे पहले ड्रेनेज की समस्या थी। यहाँ पे गार्डन्स भी काफ़ी कम है, तो हम लोग ने एक गार्डन भी ऐड ऑन किया है जो पहले से था, बिल्डर देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो हम लोग ने 14 साल के बाद बिल्डर से लेके BMC को हैंडओवर करके अभी उसका ब्यूटिफिकेशन चालू है। तो ये एक समस्या थी, वो मेजर समस्या बोल सकते हैं हम लोग ने, वो डेवलपमेंट हुई है। फिर यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का बहुत इश्यूज है, सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। अभी 2 साल पहले हम लोग ने पूरी लाइन चेंज कर दी थी, सेनापति बापट रोड की पूरी सीवरेज लाइन ही चेंज कर दी थी जी। तो ये सारी समस्या है, और हाँ पानी की समस्या सबको ही है। मैम, जिस समय जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पे इलाके में थी, मानसून के समय किस तरीके का माहौल होता था आपके आने के बाद में? आपने देखा जिस तरीके से आपने ग्रेनेज की बात करी, तो अक्सर कर समंदरी इलाका से नज़दीक है आपके, तो हाई टाइड के समय पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस समय किस तरीके की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी? यहाँ पे ना देखो, जो 190 वार्ड है, मैं पहले का ही वार्ड बोल रही हूँ, यहाँ पे ना ड्रेनेज की समस्या थी, लेकिन हम लोग ने 1 साल के अंदर ही वो सॉर्ट आउट की। जो आज़ाद बेकरी है यहाँ पे, वांजेवाड़ी कापड़ बाज़ार में आता है, वहाँ पे पानी का लॉगिन होता था, तो अभी वहाँ पे हम लोग ने सेंट्रल एजेंसी से पूरा वो पाइपलाइन ही चेंज कर दी। अब भी थोड़ी समस्या होती है बिकॉज ऑफ मेट्रो क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो उसका सारा रिटर्न हमारे पास आता है, तो अभी वो लोग क्लीनिंग करने लगे हैं, उनको हमेशा रेगुलरली बोलना पड़ता है, तो ड्रेने कहीं पे भी वाटर लॉगिन नहीं है। टच वुड, माहिम 190 वार्ड में वाटर लॉगिन मेजर कहीं पे भी नहीं। मैम, अगर मैं बात करूं महानगर पालिका की, तो जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना का कब्जा है और आप भाजपा से नगर सेविका हैं, तो फंडिंग में किसी किस्म की दिक्कत या किसी किस्म का सौतेला व्यवहार आपके साथ में कभी आपने देखा है महानगर पालिका में हुआ है? ज़रूर होता है। आप अगर आप कभी सेने वालों से पूछोगे या फिर तिगाड़ी सरकार के किसी भी नगर सेवक को पूछोगे कि भाई आपको कितना फंड आया है, वो आपको है ना करोड़ में बोलोगे, लेकिन हमको, हम सारे नगर सेवक जितने भी भाजपा के नगर सेवक हैं उनको सिर्फ 70 लाख मिला है एक्स्ट्रा। 1 करोड़ रुपए तो पहले से होता है, लेकिन वो टैक्सेशन कट करके कितना हाथ में आता है। और जी नॉर्थ में सबसे बड़ा वार्ड 190 वार्ड है जो मेरा है, और जहाँ की नगर सेवक मैं हूँ वो हो BJP की, तो ये नाइंसाफी क्यों? अभी मेरा कहने का ये तरीका है कि जब वोटिंग होता है तब सेने वाले भी वोटिंग करते हैं, BJP वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं। यहाँ पे जिस वार्ड में मैं हूँ अभी फिलहाल, ये वार्ड में हर तरीके के लोग हैं, सेने वाले भी हैं, मनसे वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, BJP के भी हैं, तो फिर ये नाइंसाफी BJP वालों के मतलब नगर सेवकों को क्यों? उन लोग ही तो हैं, सबको एक समान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वार्ड बड़ा है उसको देख के तो दो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो जी। मैम, अगर मैं कोरोना काल के बारे में जानना चाहूँ, जिस समय पहला लॉकडाउन लगा, देश भर में हाहाकार मचा हुआ था, मौतें हो रही थी, जो बीमारी इस तरीके से फैली थी कि मैक्सिमम लोगों को, डॉक्टरों को तक पता नहीं था कि इसका इलाज क्या है, ऐसे समय में आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके वार्ड में किस तरीके का काम आपने किया, क्या कुछ जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवा के दी आपने? जी, कोरोना के वक्त बहुत जनों का निधन भी हुआ, उसके लिए आई थिंक सब लोग सॉरी हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ने राशन बांटा, हम लोग ने वैक्सीनेशन के वक्त भी सबको पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी दी। मतलब जो बुज़ुर्ग है जिनको चलने को तकलीफ है, तो उनको मैं खुद गाड़ी से लेके आती थी, गाड़ियाँ भी लगाई थी वैक्सीनेशन सेंटर में। जी नॉर्थ में 190 वार्ड में 2
वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, सिर्फ जी नॉर्थ में 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स मेरे इधर ही थे। मतलब ये सुविधा हम लोग ने मेरे 190 वार्ड के लोगों को और बाकी के लोगों के लिए भी थी। और रहा सवाल, हम लोग ने राशन बांटा या बाकी के सामान भी बांटे, वो सिर्फ जी नॉर्थ के मेरे वार्ड के लिए नहीं था, वो पूरे मतलब जितने भी जन आ रहे थे उनके लिए था, सब माहिम विधानसभा के जितने भी लोग आते थे हम लोग उनको भी देते थे। लेकिन हाँ, प्रियोरिटी सबसे पहले जो मेरे वार्ड में रहते उनका था, क्योंकि वो लोग ने मेरे पर भरोसा रख के मुझे वोट किया था, तो उनको भी हम लोग ने दिया। राशन कार्ड देखते थे, ऑरेंज राशन कार्ड है उनको देते थे हम लोग, और बाकी के लोगों को भी मिलता था। वैसे ही हम लोग ने जो बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन थे, उन लोग को हम लोग ने मुफ्त 3 टाइम का खाना भी दिया है, प्रॉपर मतलब रोटी सब्जी सैलेड के साथ, फ्री डिलीवरी फ्री फूड उनके घर पे। कोई कोई लोगों के बच्चे नहीं होते थे कोरोना के वजह से, वो आ नहीं पाते थे, वो सुविधा दी। प्लस हम लोग ने हॉस्पिटलाइज करने की भी सुविधा दी है जी। प्लस 14 दिन तक कोई भी हॉस्पिटल में हो उनको जाके खाना पहुंचाने का भी काम हम लोग ने किया है। मैम, अगर मैं बात करूं, जैसे आप भाजपा से नगर सेविका है, तो केंद्र की काफ़ी सारी स्कीमें हैं जो निचले स्तर पर नहीं पहुंच पाती है, जनता को जानकारी कम होती है स्कीमों की, जैसे पेंशन, कई सारी पेंशन योजनाएं, हेल्थ योजनाएं, ये जनता तक सामान्यतः नहीं पहुंच पाती है जानकारी के अभाव में। तो मैम, क्या आप ऐसा कोई उपक्रम चला रही हैं जिससे कि जनता तक वो सारी केंद्र की सुविधाएँ पहुँचें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दी है, लेकिन लोगों तक तो पता ही नहीं, और बीच के लोग वो सुविधाओं का फ़ायदा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैं जब भी मीटिंग्स लेती हूँ तब मैं ये सुविधाओं के बारे में, ये पेंशन योजना, ये योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। मेरे ऑफिस में जितने जन भी आते हैं उनको भी हम लोग जानकारी देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनके पास ऑरेंज रेशन कार्ड हो, अस्पताल में आप दाखिला देते हैं, आप इतना पैसा क्यों भरते हो? आपको अगर डिस्काउंट में मिलता है, लाइक हिंदुजा बोलो, लीलावती बोलो, या ब्रिज कैंडी वाली हॉस्पिटल्स, ये सारे हॉस्पिटल्स हैं ना, उनमें भी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, वो प्राइवेट में जाते हैं और अननेसेसरली का पैसा बर्बाद होता है उनका। तो ये सारी हम लोग सुविधाएँ देते हैं, और मेरे ऑफिस के थ्रू से भी, माध्यम से भी उन लोगों को कॉल्स जाते हैं कि हम लोग ये राशन कार्ड बोलो या फिर आधार कार्ड बोलो, ये सारे अपडेट्स भी होते हैं और योजनाओं के बारे में तो बताते ही बताते हैं। मैम, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने चुनाव जीता भाजपा की तरफ से, तो मैम यहां पे विधायक जो हैं शिवसेना के हैं, और जो कि आपको काम करने में किसी किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि कई सारी स्कीमें जो होती हैं जो विधायक के द्वारा होती हैं, एमएलए के द्वारा होती हैं या एमपी के द्वारा होती हैं, तो उनसे काम करवाने में आपको किसी किस्म की दिक्कत हो रही थी? पहली बात तो है ना, विधायक आते किधर है, इनको उनको ये सवाल आप पूछना चाहिए कि 5 साल के बाद, हम जब सरकार बनी थी तब दोनों साथ में ही थे, वो अलग हो गए, हम लोग तो अलग नहीं हुए। उनके दिमाग में कुछ अलग आया, किसी और के साथ सरकार बनाई है, तो ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप मदद करते हो कि नहीं। आम जनता को भी करे तो भी बहुत है। तो मतलब यहाँ कहीं आपको किसी किस्म का, आपके क्षेत्र की जनता को उनसे कोई लाभ नहीं? मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जनता को जो मुझे सिलेक्ट किया है उनको मेरी तरफ से तो बहुत लाभ होता है, मुझे बाकी के लोगों का पता नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद के हिसाब से भी, ये एक ही आमदार नहीं है, हमारे बीजेपी में भी बहुत सारे आमदार हैं, उनकी तरफ से भी लाभ होता है। अच्छा। अभी मैं MLC प्रसाद लाड जी का भी फंड लाती हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने पास भी है, प्रसाद लाड जी हैं, आशीष जी हैं, लोढ़ा जी हैं, हम उनके पास जाके करते हैं, सागर जी हैं। देखो मैं बताऊँ, अगर किसी को काम करना है ना, वो निष्ठा से काम करता है, कोई भी कारण नहीं देता है। अगर मेरे पास, मैं तो अकेली हूँ, 30 में से अकेली हूँ, ना मेरा आमदार है ना मेरा खासदार है, फिर भी मेरे काम होते हैं। लेकिन खासदार ठीक है, बुरे नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने बलबूते पे काम करते हैं, बीजेपी अपने बलबूते पे ही है। मैम, अगर मैं बात करूँ इस बार चुनाव की, महानगर पालिका का चुनाव आना है, तो मैम क्या लगता है आपको कि शिवसेना का जो किला है और उसे भेद पाने में भाजपा कामयाब हो पाएगी, और भाजपा का जो परचम है वो क्या महानगर पालिका के गुंबद पर लहराएगा, आपको लगता है? अभी पहली बात तो कौन सा किला है उनका, ये मुझे ज़रा बताइए आप। कई सालों से जो राज कर रहे हैं अभी यहाँ पे तो हम हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि
सरकार आए नहीं आए ये सब लोगों के ऊपर है, लोगों को दिख रहा है कितना करप्शन हुआ है, कि क्या क्या हुआ है कोरोना के काल में भी किसी को पता नहीं। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, कैथलिक नहीं, कुछ नहीं, लोगों के पास दिमाग है। आप ये राजकारण नहीं खेल सकते हो, मतलब हिंदुत्व का या फिर किसी और चीज़ का। आप लोगों को जो देते हो वो आपको मिलता है। लोगों को आपने कितना कोरोना काल में मदद किया है वो लोगों ने देखा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, लोगों को क्या चाहिए, आपके ऊपर भरोसा। और मुझे नहीं लगता ये तिगाड़ी सरकार पे किसी भी लोगों का जो है, जो पुराने हैं जिनसे बंधे हुए हैं उनको छोड़ के और कोई नहीं भरोसा रखता। मैम क्या महानगर पालिका में इस बार जो है भाजपा की सत्ता काबिज होगी आपको लगता है? बहुमत में भाजपा जीत कराई? देखो बहुमत अभी भी था जी। लेकिन जो बंडखोरी करनी थी वो सामने वाले ने की, और इस बार भी भाजपा ही आएगी और जोरों शोरों से आएगी। और इतना आप भी लिख के रखो कि इस बार भाजपा अच्छे संख्या से आएगी और मे बी वन मैन शो भी हो सकता है। तो मतलब महानगर पालिका में मेयर जो होगा इस बार भाजपा, मुझे लगता है झेंडा सिर्फ बीजेपी का कमल का ही होगा। मैम अगर मैं बात करूं इस समय जो है, जैसे कि फंड महानगर पालिका से रोक दिया गया है क्योंकि कार्यकाल सबका संपन्न हो चुका है, तो मैम आज भी यहां की जनता के लिए आप नगर सेविका हैं, क्योंकि वो उनको नहीं पता है कि महानगर पालिका में किस तरीके से काम होता है क्या नहीं होता है। तो मैम आज भी जनता आपके पास आती होगी अपनी समस्याएँ लेके, अपनी तकलीफ़ें लेके, फंड आपके पास नहीं है महानगर पालिका का उनके लिए खर्च करने के लिए, तो मैम इस समय किस तरीके की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है उनके काम करने के लिए, उनके जो तकलीफें हैं उसको ख़त्म करने के लिए? पहली बात तो है ना, फंड नहीं है और अभी मैं नगर सेवक भी नहीं हूँ। हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो वहाँ पे मैं खुद का खर्चा करके भी करवा देती हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने भरोसा किया है, अगर मेरे पास नहीं आएंगे तो किधर जाएंगे? आज हम लोग को भी उनका जो विश्वास है वो कायम रखने के लिए काम तो करना ही है। फिर भी हम लोग है ना कोशिश भी करते हैं कि वार्ड ऑफिसर से विनती करके कि आप कर लो, क्योंकि उनके पास है ना स्पेसिफिक फंड्स होते हैं जो वो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, तो वो भी हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसे एक दो केसेस हुए जहाँ पे हमने खुद से ही काम किया है। तो मैम अगर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, दोबारा अगर आपको इसी क्षेत्र से अगर मौका मिलता है, क्योंकि ओपन वार्ड हो चुका है, महिला वार्ड है, और पार्टी अगर दोबारा आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो मैम क्या मुद्दे होंगे और क्या आप करना चाहेंगी यहाँ के बारे में, और कुछ आपने जो सोच रखी है आने वाले समय में कि इस इलाके को इस तरीके से बदलना है ताकि ये मिसाल बने मुंबई के अन्य इलाकों के लिए? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी शायद मुझे ही देंगी जी। ये एक चीज़ है, क्योंकि और लोग मुझे जिता के देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को पता है मैंने काम किया है कि नहीं किया है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे घना कचरा अभी मोदी जी का है स्वच्छ भारत अभियान, वो अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत जगह से कचरा नहीं है लेकिन हम लोग और क्लीनिनेस के तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स करने की मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि सेग्रीगेशन का पायलट प्रोजेक्ट हो, फिर आप अगर आप मेरे एरिया में घूमोगे आपको सड़कें बहुत अच्छी दिखेगी। देखो 99% सड़कें अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, 99% सड़कें बहुत बढ़िया है, 1% जो रह गई है बिकॉज वी डिडंट गेट फंड्स, इसके लिए वो रह गई है। लेकिन यहाँ का जो माहौल है माही में, वांजेवाड़ी, कापड़ बाज़ार, पाँचवा रोड या SVS रोड, वहाँ पे आप जाओगे ना हर एक इंसान है ना सुकून से चल सकता है, कहीं गिरता नहीं है। तो सड़कों के ऊपर हम लोग ने काम किया है। पार्क्स, जहाँ पे पार्क्स बहुत सारी है उनको रिवैम करना, रिनोवेशन। देखो हर बार है ना हम लोग पुरानी जगह जाके भी कंटालते हैं, हम लोग को भी कुछ नया चाहिए, तो हम लोग रिवैम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्यूटिफिकेशन ऑफ बीचेस, ये भी हम लोग का एक हेतु है। और स्कूल, मेरे एरिया में बहुत सारे BMC स्कूल्स हैं, उनको भी हम लोग रिवैम करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू BMC। जैसे कि आपने सुना, ये थी शीतल गंभीर जी जो कि वार्ड नंबर 190 की नगर सेविका रह चुकी हैं, और उनका साफ कहना है दोबारा अगर पक्ष ने मुझे मौका दिया तो मैं जो है इलाके का चेहरा पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करूंगी। और मेरा सवाल था क्या दोबारा वो लड़ेंगी,
तो उनका साफ कहना था पक्ष ने अगर उन्हें समर्थन दिया, उन्हें टिकट दिया, और उनका यकीन है कि पक्ष उन्हें ही टिकट देगा, क्योंकि इनके मुकाबले यहाँ पे कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता है इस वार्ड में कि वो इनके मुकाबले खड़े हो पाए। इस तरीके से कहने की वजह सिर्फ यही है कि जनता के बीच में इनकी जो पकड़ है, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी प्रांत से ताल्लुक़ रखता हो, अगर इस इलाके का रहने वाला है, उनके बीच में इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो दोबारा इन्हें ही देखना चाहेंगे, और क्योंकि ये हमेशा जो है जनता के कामों के लिए अवेलेबल रहती हैं। मेरा सवाल था, इस बार चुनाव में महानगर पालिका में क्या भाजपा का झंडा लहराएगा? आप देख ही रहे होंगे सत्ता में किस तरीके से उथल पुथल चल रही है, कब कौन सा ऊंट किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाबू ये राजनीति है, ये अपने हिसाब से चलती है, इसमें कई सारे शतरंज की तरह दावपेच होते हैं, कौन कब किस जगह पहुंच जाए ये कहा नहीं जा सकता। जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार की बात ही कर ली जाए, मगर मैं कर रहा हूँ बात मुंबई महानगर पालिका की, तो मुंबई महानगर पालिका में शीतल गंभीर जी का साफ कहना है कि इस बार जो है भाजपा बहुमत से महानगर पालिका में अपनी सत्ता काबिज करेगी, और इस बार महानगर पालिका में कमल खिलने वाला है और मेयर भी महानगर पालिका में भाजपा का बनने वाला है। चुनाव अनकरीब ही होने हैं, देखना होगा कि जनता किसे सराहती है और किसे नकारती है। कैमरामैन साटविलकर के साथ सैशेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।